वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास नाइन्थ की बुक बिहाइव का फोर्थ यूनिट है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपके सामने जीनियस वर्ड का जिक्र होता है या कोई प्रतिभाशाली वर्ड यूज़ होता है तो आपके जहन में या आपके माइंड में किसका नाम आता है या कैसे थॉट्स आते हैं, आपके अकॉर्डिंग जीनियस में क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इस चैप्टर में हम ऐसे ही शख्स के बारे में पढ़ेंगे जिसे 1905 में 26 की एज में पूरी दुनिया को अपने साइंस के वर्क से पूरी दुनिया को वो एक तूफान के पार लेकर गया था, और वो है आइंस्टीन। उन्होंने जो भी वर्क किया हुआ था वो उनका वर्क साइंस मैगजीन में कुछ ही पेजों में पब्लिश हुआ था, लेकिन उसे पढ़ने के बाद पूरी दुनिया का जो टाइम के लिए, स्पेस के लिए और कॉस्मोस के लिए जो भी थॉट्स थे वो सारे स्टैंडिंग को, अंडरस्टैंडिंग को बदल करके रख दिया था। उनकी डेथ के 50 ईयर्स के बाद भी जो उनका विजडम था वो अभी भी रेन करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग ऑफ हिज लाइफ। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी उल्म में हुआ था। तब किसी को ये भी नहीं पता था कि वो बच्चा भविष्य में क्या करने वाला है और उसका भविष्य कैसा होगा, लेकिन जो उनकी माँ थी वो उन्हें थोड़ा एबनॉर्मल समझती थी, क्योंकि आइंस्टीन का जो सिर था तो उनकी माँ को ऐसा लगता था कि दूसरे बच्चों से उनका सिर कुछ ज़्यादा बड़ा है। आइंस्टीन केवल 2.5 साल के ही जब हो गए थे, लेकिन तब भी वो बात नहीं करते थे। लास्ट में जब वो बात करना सीखे भी तो हर एक बात को वो 2 टाइम्स बोलते थे। आइंस्टीन को ये भी नहीं पता था कि जो उनके साथ खेलने वाले बच्चे हैं या दूसरे बच्चे हैं उनके साथ उन्हें कैसा बिहेव करना और उनके साथ कैसे घुलना मिलना है, और उनके जो प्लेमेट्स थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे। इसलिए आइंस्टीन ज़्यादातर टाइम वो खुद के साथ ही खेलते थे और उन्हें मैकेनिकल जो टॉयज थे उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। और ऐसा ही हुआ होगा जब उनकी न्यू बॉर्न सिस्टर थी उसको देख करके, जिसका नाम था माजा, उसको देख करके उन्होंने यही कहा होगा कि हाँ ये अच्छी है लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं। इस स्टोरी में एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक मैथमेटिशियन थे ओटो न्यूकबार, उन्होंने ये कहा कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ हो सकता है आपको एक लेजेंड स्टोरी लगे लेकिन ये सच है। आइंस्टीन जब लगभग छोटे ही थे एक बार वो सपर टेबल पर बैठे हुए थे नाइट में, और उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा कि ओह ये सूप तो बहुत गर्म है। तब उनकी मॉम ने पूछा कि तुम अभी तक क्यों नहीं बोले, तो आइंस्टीन ने कहा क्योंकि अभी तक सारी चीज़ें ऑर्डर में थी, यानी सिस्टमेटिक वे में थी। इसलिए एक बार क्या हुआ कि आइंस्टीन के हेडमास्टर थे तो उनके फादर से उन्होंने ये कहा कि आइंस्टीन चाहे जो भी प्रोफेशन चूज़ करे, चाहे जो भी सब्जेक्ट चूज़ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको तो कभी कामयाब होना ही नहीं है। आइंस्टीन ने 6 ईयर की एज में अपनी माँ के कहने पर वायलिन प्ले करना सीखा, और उन्होंने जो ये स्किल थी वो अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन करके रखी। आइंस्टीन ने अपने हाई स्कूल की जो एजुकेशन थी वो म्यूनिक से ही ली थी, क्योंकि उनकी फैमिली म्यूनिक चली गई थी जब वो केवल 15 मंथ के ही थे। लेकिन उस स्कूल में इतना टफ डिसिप्लिन थे जिसकी वजह से उन्हें घुटन होने लगी थी और काफ़ी बहस हो जाती थी उनकी टीचर्स के साथ में। सफोकेशन की वजह से उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। आइंस्टीन ने अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में पढ़ूंगा, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड म्यूनिक से बहुत अच्छा है और वहाँ पर लोगों के विचारों को काफ़ी तवज्जो दी जाती है। आइंस्टीन को मैथ्स और फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने आगे की यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन थी उसे आगे रखने के लिए उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी को चूज़ किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी आगे की एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन वो ज्यूरिख यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट करेंगे। उस यंग मैन को केवल साइंस में ही इंटरेस्ट नहीं था, उन्हें वॉलरस मुस्टाच यानी कि थिक मुस्टाच में भी काफ़ी इंटरेस्ट था, और वो ऐसी ही मुच्छे अपने लिए भी रखते थे। जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मेरिक, जिसे वो काफ़ी पसंद करने लगे, और कुछ दिनों बाद दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगे और उनमें लव हो गया। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम आगे की लाइफ एक साथ जिएंगे। और 1900 में जब आइंस्टीन ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया तो वो बेरोज़गार थे। 1902 में उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में जॉब मिली जहाँ पर वो दूसरों के इन्वेंशंस को एसेस करते थे और उसकी देखरेख करते थे, और उसी में उन्होंने सीक्रेटली अपने ही इन्वेंशन को भी जारी रखा। और मजाक ही मजाक में उन्होंने तो अपने एक टेबल के ड्रॉअर को भी कहा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। 1905 में आइंस्टीन ने रिलेटिविटी की थ्योरी को पब्लिश किया जिसके अकॉर्डिंग टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, और वर्ल्ड फेमस फार्मूला आया E = mc². आइंस्टीन ने जब साइंस में अपना इतना
दबदबा बना रखा था, इट मीन्स काफ़ी सक्सेस हो गए थे, पर्सनल लाइफ में भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही थी क्योंकि जो उनकी माँ थी उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया, तो वो इस शादी की अगेंस्ट थी क्योंकि वो ये जानती थी कि जो मिलेवा थी वो आइंस्टीन से एज में बड़ी थी और वो अपने बच्चे से कह रही थी कि वो तुमसे बड़ी है और तुम्हारे लिए तो वो एक बुक की तरह है। आइंस्टीन ने उस समय शादी टाल दी और उन्होंने शादी नहीं की। फिर लास्ट में 1903 में उन दोनों ने शादी कर ली। उस शादी के बाद उनको दो बेटे हुए, लेकिन जैसे जैसे वो साइंस में आगे बढ़ते जा रहे थे उनकी लाइफ में जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो उतनी ही बेकार होती चली जा रही थी। 1919 में एट लास्ट उनका डिवोर्स हो गया और उसी साल उन्होंने अपने एक कज़िन से शादी कर ली। 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की जिससे ग्रेविटी को एक नई व्याख्या मिली, यानी कि ग्रेविटी को एक नई इलस्ट्रेशन मिली। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक एक्लिप्स के द्वारा यानी सूर्य ग्रहण के द्वारा प्रूव भी किया। आइंस्टीन को 1921 में नोबेल प्राइज भी मिला और उन्हें काफ़ी एडमायर भी किया गया। 1933 में जब नाजीज पावर में आए वहाँ पर तो आइंस्टीन यूएसए चले गए। फिर 5 ईयर्स के बाद में बर्लिन में जब न्यूक्लियर फ्यूज़न की डिस्कवरी हुई यानी नाभिकीय विखंडन की जब खोज हो गई वहाँ पर, तो जो वहाँ के फिजिसिस्ट थे वो बहुत परेशान हो गए कि अब जहाँ तक फासिसिज्म क्या करेंगे, इससे एटम बॉम्ब का निर्माण कर लेंगे और उसका इन्वेंशन करने के बाद उसका प्रयोग करेंगे। इसी डर की वजह से जैसे आइंस्टीन यूएसए चले गए थे वो लोग भी वहाँ से काफ़ी लोग उधर से भाग गए। तभी उनके एक कलीग थे यूएसए में, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, तब आइंस्टीन ने 2 अगस्त 1939 में अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट उन्हें एक लेटर लिखा और उन्होंने लेटर में उस एटम बॉम्ब के बारे में लिखा कि अगर ऐसा बॉम्ब बन गया तो अगर आप सोचें कि किसी पोर्ट में अगर उसे गिरा दिया जाए तो वो पोर्ट तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन उसके आसपास का बहुत बड़ा रीजन भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। उसके इस लेटर को देख ध्यान में रखते हुए यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक कदम उठाया कि सीक्रेटली उन्होंने भी एक एटम बॉम्ब बना लिया और उसे 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी में उसे गिरा दिया। जब इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया इसको देख करके आइंस्टीन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने प्रपोजल दिया था कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट भी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, लेकिन उनके इस प्रपोजल को वहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से उन्होंने अपने पॉपुलरिटी का यूज़ करते हुए पॉलिटिक्स में कदम रखा और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को इन्वॉल्व करके उन्होंने इस चीज़ के आगे अपना रेवोल्यूशन बढ़ाया कि आर्म्स बिल्डअप को किसी तरीके से रोकना है, और वो इसी प्रयास में लगातार लगे रहे। फिर 1955 में 76 की एज में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद भी पूरी दुनिया में उन्हें दूरदृष्टि रखने वाले यानी कि काफ़ी दूर की सोचने वाले साइंटिस्ट के बारे में याद किया गया और एक जीनियस के रूप में उनको हमेशा के लिए याद किया। सो दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन, ये आपका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन था। आई थिंक ये आपके एमसीक्यूज सॉल्वेशन में काफ़ी हेल्प करेगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी काफ़ी बढ़ाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।